पूर्वोत्तर रेलवे प्रमोटी अधिकारी संघ NERPOA के तत्वावधान में भारतीय रेल प्रमोटी अधिकारी महासंघ IRPOF की कार्यकारी समिति की दो दिवसीय बैठक रेलवे प्रेक्षागृह में प्रारंभ हुई। उद्घाटन सत्र में पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख परिचालन प्रबंधक संजय त्रिपाठी, प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक संजय मिश्र, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक DK सिंह, प्रमुख वित्त सलाहकार श्रीमती प्रीति झा, प्रमुख विद्युत इंजीनियर AK शुक्ल, प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक KC जोशी, प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉक्टर DN चौधरी, भारतीय रेल प्रमोटी अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष अमित जैन, महासचिव HC यादव, सलाहकार श्री जितेंद्र सिंह, सलाहकार रमन शर्मा, संगठन सचिव RP चंद्र, भारतीय रेलवे प्रमोटी अधिकारी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष JP सिंह, पूर्वोत्तर रेलवे प्रमोटी अधिकारी संघ के अध्यक्ष कृष्णा सिंह एवं महामंत्री रमेश पांडे सहित सभी 17 क्षेत्रीय रेलों एवं उत्पाद इकाइयों के पदाधिकारी उपस्थित थे। उद्घाटन सत्र का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रमुख वित्त सलाहकार श्रीमती प्रीति झा ने कहा कि प्रमोटी ऑफिसर बहुत ही अनुभवी होते हैं तथा अपने दीर्घकालीन अनुभव के बदौलत वे किसी भी कार्य को बड़ी ही कुशलता से संपादित करने में सक्षम होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रमोटी अधिकारियों की प्रतिबद्धता सराहनीय होती है। भारतीय रेल प्रमोटी अधिकारी महासंघ IRPOF के अध्यक्ष अमित जैन ने महासंघ की गतिविधियों एवं उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि हाल ही में रेल मंत्री के साथ महासंघ की आयोजित बैठक बहुत ही सकारात्मक रही है। भारतीय रेल प्रमोटी अधिकारी महासंघ IRPOF के महासचिव श्री HC यादव ने कहा कि प्रमोटी अधिकारी भारतीय रेल के मेरुदंड हैं तथा उनकी समस्याओं का हर हाल में समाधान होना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न कैटेगरीज के लंबित DPC को पूरा कराने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है तथा लगभग सभी कैटेगरीज में वर्ष 2020 तक की DPC हो चुकी है। उन्होंने सीनियर स्किल के पदों को पुनः प्रमोटी अधिकारियों के लिए तदर्थ आधार पर उपलब्ध कराने हेतु महासंघ द्वारा किए जा रहे प्रयासों की चर्चा की। कार्य समिति की बैठक को क्षेत्रीय रेलों के प्रमोटी अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया, जिनमें मध्य रेलवे के TVSN मूर्ति, पूर्व रेलवे के देवव्रत, पश्चिम रेलवे के RV श्रीवास्तव, पूर्व मध्य रेलवे के श्री दीपक राज रे, पूर्व तटीय रेलवे के RR मिश्र, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सुशील कुमार मौर्य, पूर्वोत्तर रेलवे के रमेश पांडे तथा दक्षिण मध्य रेलवे के गोविंद हरले आदि प्रमुख हैं। वक्ताओं ने अपने संबोधन में प्रमोटी अधिकारियों की समस्याओं तथा उनके निदान से संबंधित अनेक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते वे भारतीय रेल प्रमोटी अधिकारी महासंघ IRPOF के अध्यक्ष अमित जैन और पूर्वोत्तर रेलवे की प्रमुख वित्त सलाहकार श्रीमती प्रीति झा ने कहा। सभी लोग प्रार्थना भी करें मन ही मन कि हमारी जो भी कामनाएं हैं, हमारी जो भी इशू श्लोक है जो जैसे जैसे श्रेष्ठ जन व्यवहार करते हैं अपना आचरण अच्छा रखिए और लोगों को अपना अनुसरण करने के लिए या आपको फॉलो करने के लिए आपके मूल मंत्र है जिसके साथ आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। श्री में ही सिखा दीजिए आप, उसके बाद की सारी पढ़ाई तो जो है वो हम लोगों की विषयगत हो जाती है।
वो अगर कोई बच्चा अपना टिफिन नहीं लाया है, मान लीजिए उसकी मम्मी ने नहीं दिया या भूल गया, तो वो सब चीज़ शेयर करते हैं। हड्डी का काम होता है ना, जो कि दिल को स्ट्रॉन्ग करके रखती है, उसी तरह से मुझे लगता है प्रमोटी ऑफिसर्स एक रीढ़ की हड्डी होते हैं, जो कि हम जैसे लोग भी जो आते हैं बिल्कुल जैसे कच्ची मिट्टी को संवारते हैं ना, उसी तरह से हम लोगों ने भी जो सब जब सीखते हैं एज प्रोबेशनर्स एज ऑफिसर्स, तो उसमें प्रमोटी ऑफिसर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो लोग जनरली उनका इतना इंटर रेलवे मूवमेंट नहीं होता है जितना क्लास वन का होता है, तो उनके वहाँ की पॉलिसीज तो इंडियन रेलवेज में एक ही होती है, लेकिन जो प्रैक्टिसेस जो उनको मालूम होती हैं ऑफ द कंसर्न जोनल रेलवेज, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होता है और उससे हम लोगों को बहुत सीख मिलती है ताकि हम उसको आगे बढ़ सकें। दूसरी बात मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण मैंने नोटिस की है प्रमोटी ऑफिसर्स के बारे में, कि वो लोग जनरली ये नहीं बोलते ये मेरा काम नहीं है। कारण ये है कि वो जब बनते हैं ऑफिसर तो वो शायद इतने सेक्शंस में देख लेते हैं या काम कर लेते हैं कि उनका एक्सपीरियंस हम लोगों से बहुत ज़्यादा होता है। तो एक क्लास वन तो कभी कभी शुरू में बोल जाता है कि मैडम मैंने ये नहीं किया है इसलिए मुझे नहीं मालूम है, बट आई वेरी सेल्डम हर्ड अ प्रमोटी ऑफिसर से दैट ये मेरा काम नहीं है। वो काम ना होते हुए भी पता कर लेते हैं कैसे करना है, उसको करके ढूंढ के उसको अपना एक्सपीरियंस को जोड़ते हुए आपको बता देंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में सीखा है। और एक मिस्टर बंसल थे, मुझे लगा शायद वो अभी भी सक्रिय होंगे, तो मिस्टर बंसल थ्रू आउट हैज बीन इन टच विद मी। वो सारे कार्डर्स का इररिस्पेक्टिव ऑफ यू नो मैकेनिकल कार्डर से हैं, आप सब लोग पता नहीं उनसे वाकिफ है या नहीं, वो सबका कार्डर पोजीशन बताते थे और ये भी बताते थे कब किसका प्रमोशन होगा, एंड आई थिंक 80% उनकी बातें सही भी होती थी। तो वो एक बहुत ही सक्रिय ऑफिसर थे जिनसे बहुत कुछ रेल के प्रति और कार्डर के प्रति उनका जो समर्पण था वो अद्भुत था। तो मैं बस यही सोचती हूँ कि अ बिजी मैन हैज टाइम फॉर एवरीथिंग। ये जो बहुत एक वो हो गई कि हमें समय नहीं है, बहुत वैकेंसीज हैं, हम डबल काम कर रहे हैं ट्रिपल काम कर रहे हैं, ये एक मन की सोच है। अगर आपके अंदर काम करने की क्षमता है, प्रेरणा है और एक ताकत है कि मुझे ये काम करना है, आपके पास कभी भी समय का अभाव नहीं होगा। तो व्हाट आई थिंक इज कि कमिटमेंट अगर बहुत बड़ा हो तो सबसे व्यस्त आदमी के पास सब काम करने की क्षमता है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि सभी जो डेलीगेट्स यहाँ पे आए हुए हैं कि वो लोग यहाँ पे अपने अच्छे सुझाव से अपने यहाँ पे जो इंटरैक्शन है उसको, एंड गोरखनाथ की जो पवित्र भूमि है, क्योंकि बहुत ही साफ़ सुथरा शहर, हम लोग सब दिल्ली से आए थे, इतना सुंदर शहर है। तो मुझे उम्मीद है कृष्णा सिंह जी केवल इस सभागृह में आपको लिमिट नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी कॉन्फ्रेंसेस में हो जाता है, थोड़ा बहुत गोरखपुर भी घुमाएंगे। अमित जैन, अध्यक्ष इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर फेडरेशन। अभी शुरुआत हो रही है, हम लोग अभी अपने जो प्रमोटी ऑफिसर्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी PHODs आए थे, वो हम लोगों को एड्रेस करके गए हैं, हम लोग अभी चर्चा करेंगे। दो मेन मुद्दे हैं हमारे, हमारा जो प्रमोशन के लिए DPC होती है ग्रुप ए में आने के लिए, उसमें काफ़ी डिले होता है, और हम लोगों का जो सीनियर स्केल पहले मिलता था वो अभी बीच में रोक दिया गया, उसके बारे में और दूसरे मुद्दों के बारे में अभी आज और कल डिस्कस करेंगे। क्या उद्देश्य? उद्देश्य यही है कि प्रमोटी ऑफिसर्स को कैसे, मतलब उनको काम तो पूरा करते हैं लेकिन उस हिसाब से मतलब अपनी एफिशिएंसी तभी बरकरार रह पाएगी जब उनको ड्यू प्रमोशन उस समय पे मिले। अगर हम लोगों को प्रमोशन समय पे नहीं मिलेगा तो जैसे टाइमली प्रमोशंस जो है होने चाहिए। नंबर ऑफ ऑफिसर्स बहुत सारे पड़े हैं, बहुत सारा 18-20 साल नौकरी करके सर्विस करके, जिन्हें 3 साल में ही ग्रुप ए मिलना चाहिए, पर 10-15-12 साल में भी ग्रुप ए का कोई आशा नहीं लग रही है। बीच में उन्हें एक प्रमोशन मिलता था सीनियर स्केल का, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया, अभी रोक दिया गया है,
जिसके चलते लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं और उसी को हम लोग दिलवाने के लिए ये मीटिंग कर रहे हैं और इसका हम प्रपोजल फिर रेलवे बोर्ड में आगे बढ़ाएंगे, हम लोग वहाँ प्रेशर देंगे कि इसको किया जाए। दूसरा, डीपीसी में हमारे नंबर जितने होने चाहिए, जितने ऑफिसर्स के प्रमोशन होने चाहिए, उससे बहुत कम लिया जा रहा है, जिसके चलते भी नंबर स्टैग्नेशन बढ़ता जा रहा है। दूसरा, हमें अभी नया आईआरएमएस एक स्टार्ट हुआ है रेलवे में, जिसमें और बहुत सारी पोस्टें कम कर दी गई हैं, जिसके चलते जो एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स हैं उनके लिए फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट और भी ख़राब हो रहा है, जिसे ठीक करने के लिए हम लोग आपस में चर्चा करेंगे और यहाँ जो डिसीजन होगा उसे हम रेलवे बोर्ड को प्रेषित करेंगे। हमारे 17 डिवीजन से 17 जोन से रेलवे और 17 जोन से और 8 टोटल 25 एसोसिएशन आए हैं, करीब 50 के प्लस लोग हैं और सभी अपना अपना मंतव्य यहाँ देंगे, सभी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, उसमें जो निष्कर्ष निकलेगा हम ही सब लोगों के राय से उसे हम लोग फाइनली रेलवे बोर्ड में इशू को रेज करेंगे। HC यादव, हरिश्चंद्र यादव, सेक्रेटरी जनरल ईरपॉफ। तो हम लोग ये सब चर्चा करेंगे अभी, और जैसे सर ने बताया अभी कि जो एक नई एक मैनेजमेंट सर्विसेज रेलवे ने, भारतीय रेलवे ने लागू करने का बीड़ा उठाया है, 2022 में जो हमारा सिविल सर्विस एग्ज़ाम हुआ था उसमें उन्होंने सभी पूरे इंडियन रेलवे की सभी डिपार्टमेंट्स को मर्ज करके एक सर्विसेज इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज को लागू किया है। तो उसमें नंबर्स इनटेक जो है 150 रखा है, जो कि पहले लगभग 823 होता था टोटल। तो इससे इतने कम नंबर हो जाने से क्या इफेक्ट आने वाला है वर्किंग पर, वो सब लोग हम सब लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर एक मेमोरेंडम बना कर रेलवे बोर्ड में भेजा जाएगा। प्रीति झा, प्रमुख वित्त सलाहकार, इंडियन रेलवे प्रमोटिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन की जो ये मीटिंग है, मैं आशा करती हूँ कि बहुत ही प्रभावी हो और जो एजेंडा लेकर ये आए हैं उसको कंप्लीट करें। और प्रमोटिंग ऑफिसर्स के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, ये एक रेलवे की सुचारू प्रणाली के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह से काम करते हैं, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बहुत होता है। जब ये ऑफिसर्स बनते हैं तो कम से कम मुझे लगता है 15-20 साल का एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग सेक्शन का एक्सपीरियंस होता है, तो वो किसी भी काम को करने में सक्षम होते हैं। और उससे हम क्लास वन ऑफिसर्स जो कि नए क्षेत्र से आते हैं, एकदम तुरंत आ जाते हैं सर्विस में, बहुत आराम मिलता है और बहुत उन लोगों से सीखने को मिलता है। आई विश प्रमोटिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन की मीटिंग को अ बिग सक्सेस। धन्यवाद।